कैसे आप सभी लोग, तो वेलकम बैक अगेन माय ड्यू ब्लॉग। तो आज का दोस्तों हमारा सेशन रहने वाला है रनिंग कार्टविल बाई बैक हैंड स्प्रिंग। तो दोस्तों तो रनिंग कार्टविल के बाद हमने बैक हैंड स्प्रिंग को कैसे करना है, तो इसके मैंने छोटे छोटे बेसिक स्टेप्स बताए हुए हैं, इसको देखकर आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना वार्म अप स्टार्ट करते हैं जॉगिंग से, जो हमारा कम से कम 100 से 150 मीटर रहने वाला है, जिसमें हम 2 या 3 चक्कर 100-150 मीटर के कर सकते हैं, जिससे हमारा बॉडी लाइट वार्म अप हो जाए और साथ ही साथ हम फुली एक्सरसाइज को करने के लिए वार्म अप हो जाए। तो दोस्तों रनिंग होने के बाद हमने यहाँ पे अपनी ब्रीथिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हुए हमने रिकवर होने के लिए एंड हमने होल बॉडी एक्सरसाइज को करने के लिए साइड टू साइड जंप करना है। देन हमने अल्टरनेट लेग नी बैंड लेग टक जंप करना है, जिससे कि हमारा बॉडी और हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल में रहे। देन हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर होना होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है, हमने अपनी बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, हमारा पेक्टोरियस मसल्स एंड हमारे लैटरल मसल्स को ट्यून अप करना होता है, जिससे कि हम बेसिक पुशअप्स के थ्रू और हम भुजंगासन एंड स्विंग बेसिक पुशअप्स के थ्रू हम अपनी बैक एंड हम अपने शोल्डर्स एंड हम अपनी मसल्स को क्या करते हैं, ट्यून अप कर लेते हैं, जिससे कि हमारे को मूवमेंट करने के लिए आसानी हो और हमारी मसल्स में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और हमारा बॉडी वेट कंट्रोल हो। नेक्स्ट दोस्तों अभी हम करेंगे चक्रासन। तो दोस्तों चक्रासन करने के फ़ायदे, जो कि हमारी बैक एंड हमारी होल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है एंड साथ ही साथ दोस्तों हम पर्टिकुलर एक्सरसाइज, जैसे कि हम बैक हैंड स्प्रिंग को करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए हमें हमारी बैक हैंड स्प्रिंग करने के लिए एक मोमेंट मिल जाती है और हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो दोस्तों इसको हमने करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले हमने कार्टविल को करना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारा रनिंग कार्टविल का मोमेंट अच्छा बने। तो दोस्तों हम यहाँ पे कार्टविल को भी 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम अंडर आर्म पाम्स के थ्रो कार्टविल को करते हैं और दूसरा हमारा पाम्स को ओवरलैप करते हुए हम रनिंग कार्टविल को कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम लोग जैसा हमको कंफर्टेबल रहे उसको हम जल्दी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने कार्टविल मोमेंट को एक फ्लो में बनाए रखना है, जिससे कि हमारी कार्टविल में कंटिन्यूटी बनी रहे और हमारा बैक हैंड स्प्रिंग में कंटिन्यूटी बना रहे। तो दोस्तों हम धीरे धीरे इसको अपने दोनों लेग्स को थ्रो करते हुए अंडर की तरफ इसको कट करेंगे। तो इसके भी हमने कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी है, जब तक कि हमारा कार्टविल सुधर ना जाए और हमारा रनिंग कार्टविल का मोमेंट बन ना जाए। तो साथ ही साथ ध्यान ये देना है दोस्तों कि हमारे दोनों लेग्स मिले हुए होने चाहिए, हमारे लेग्स ओपन नहीं होने चाहिए, जिससे कि हमारा रनिंग कार्टविल बैलेंस रहे और हमारा रनिंग कार्टविल का जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सीधा रहे। तो दोस्तों हमने इसी एक्सरसाइज का मोमेंट 10 से 15 बार करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा रनिंग कार्टविल का मोमेंट एंड अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए। नेक्स्ट हमने दोस्तों रनिंग कार्टविल को करते हुए दोनों लेग्स को अंदर की तरफ कट करना है। नेक्स्ट हम दोस्तों रनिंग कार्टविल के साथ बैक हैंड स्प्रिंग मोमेंट के लिए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, जिससे कि हमारा बैक हैंड स्प्रिंग करने में आसानी हो। तो अगेन हम दोस्तों इसको करेंगे, रनिंग कार्टविल करने के बाद हमने अपनी बॉडी को आर्च पोजिशन में ऊपर की तरफ थ्रो करना है। नेक्स्ट हमने दोस्तों बैक हैंड स्प्रिंग मैं रोटेशन करने के लिए पहले स्टैंडिंग पोजीशन से 2 या 3 बार बैक हैंड स्प्रिंग कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा रोटेशन करने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों इसको भी हम 2-3 बार करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों, हम रनिंग कार्टविल के साथ बैक हैंड स्प्रिंग कुछ देर रुकते हुए करेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो एंड हमको बैक हैंड स्प्रिंग करने में आसानी हो। नेक्स्ट दोस्तों हम रनिंग कार्टविल के बाद सिंगल बैक हैंड स्प्रिंग को करेंगे, जिससे कि हमारा फ्लो और रोटेशन तेज हो। नेक्स्ट हम कंटिन्यूसली 2 बार हैंड स्प्रिंग को करेंगे एंड जिससे कि हमारा पूरी तरह परफेक्शन आ जाए। देन हम ट्रिपल बैक हैंड स्प्रिंग को ट्राई करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से हम ट्रिपल बैक हैंड स्प्रिंग कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसी तरीके की नई एक्सरसाइज के वीडियो कंटेंट में आप लोगों के लेके आता रहूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, धीरे धीरे एक्सरसाइज को सीखते रहे एंड मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।